वेल नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक ड्रिबल के फ्रेश एपिसोड में। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कैशिंग मैनेजमेंट के बारे में। तो आपने ये पहले वर्ड शायद सुना होगा, कैशिंग। तो कैशिंग आप जो है हर एक वेबसाइट पे करते हैं, हर एक वेबसाइट पे आप जो है कुछ ना कुछ उसका डेटा कैश करते हैं अपनी मेमोरी में, ठीक है। तो अपनी कैश मेमोरी में आप जो भी डेटा उस वेबसाइट का लेते हैं, तो वो जो है हमेशा आपको डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसको मैं अभी आपको और अच्छे तरीके से समझाता हूँ, तो जल्दी शुरू करते हैं हमारा वीडियो। लेट्स गो ड्यूरेबल। तो यहाँ पर बात करते हैं कि कैशिंग मैनेजमेंट में होता क्या है आखिरकार। तो पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि कैश मेमोरी क्या होती है, ठीक है। तो कैश मेमोरी के लिए आप देख लीजिए कि आपके हर एक मोबाइल डिवाइसेस में जो है एक कैश मेमोरी होती है, ठीक है। जो यहाँ पर बताया जाता है कि कैश मेमोरी जो होती है ना, सबसे फास्टेस्ट होती है सभी मेमोरीज़ में, ठीक है। क्योंकि ये जो है बहुत ही ज़्यादा फास्ट होती है, ठीक है। आपकी जो हार्ड डिस्क होती है ये सारी बहुत ही कम फास्ट होती है इसके मुकाबले में। ये जो है सबसे फास्टेस्ट मेमोरी होती है कैश मेमोरी, ठीक है। और जो इसमें जो कैश की जो मेमोरी होती है वो लिमिटेड होती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बहुत ही कम अमाउंट में दिखेगी आपको, कहीं मिलेगी 256 KB के अराउंड। तो ये अलग अलग अमाउंट में आपको अलग अलग डिवाइसेस में मिल जाएगी, ठीक है। तब कैश मेमोरी का काम ये होता है कि ये जो है उन चीज़ों को अपने अंदर स्टोर करती है जो कि आप रेगुलरली यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और मान लीजिए जैसे आप फेसबुक रोज़ चलाते हैं, ठीक है। तो कैश मेमोरी क्या करेगा कि फेसबुक का लोगो हो गया तो उसको वो अपने अंदर स्टोर कर लेगा, ताकि अब जब हर बार आप फेसबुक चलाएंगे तो आपको क्या है ना कि हर बार फेसबुक का लोगो जो है आपको डाउनलोड नहीं करना पड़े, यानी कि आपका जो इंटरनेट है फेसबुक के उस लोगो को दिखाने में वेस्ट ना हो। तो इस वजह से यहाँ पर ये कैश मेमोरी काम करती है कि आप जो भी चीज़ें जो है फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं उन चीज़ों को ये जो है अपने अंदर स्टोर कर लेती है, ताकि आपका एक्सपीरियंस जो है फास्टेस्ट हो जाए और आप मज़ा आए, ठीक है। तो अब देखते हैं कि यहाँ पर कैशिंग मैनेजमेंट क्या होता है। अब कैशिंग कैश मेमोरी समझ में आ गया आपको, कैशिंग मैनेजमेंट क्या हुआ कि उस कैश मेमोरी को कैसे मैनेज करना है, ठीक है। तो कैशिंग इज़ परफॉर्मेंस इनहांसिंग टेक्निक इन कंप्यूटर वर्ल्ड। तो यहाँ पर परफॉर्मेंस को इनहांस करता है इस कैशिंग के द्वारा, हम परफॉर्मेंस को ज़्यादा बेहतर बनाते हैं, ठीक है। कैश मेमोरी इज़ स्मॉल फास्ट टू होल्ड फ्रिक्वेंसी यूज डेटा, ठीक है। तो कैश मेमोरी छोटी होती है पर ये बहुत ही ज़्यादा फास्ट होती है, और ये जो उन्हीं डेटा को स्टोर करती है जो कि आप फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं, ठीक है। द मेन प्रॉब्लम इज़ हाउ टू रिड्यूस रीड राइट लेटेंसी। अब यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि भाई कौन से डेटा को अपने अंदर स्टोर करना है कैश मेमोरी को कैसे पता चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि यहाँ पर कौन से डेटा को रीड करना है कैश मेमोरी में, कौन से डेटा को राइट करना है। तो यहाँ पर अगला पॉइंट निकल के आता है कि टू अचीव दिस सिस्टम मोस्ट एफिशिएंटली डिसाइड विच डेटा टू कैश। तो अब इस सिस्टम को मोस्ट जितना ज़्यादा इफेक्टिव तभी होगा जब उस कैश मेमोरी को पता होगा कि कौन से डेटा को कैश करना है, ठीक है। तो यहाँ पर दो तरह के टू टाइप्स ऑफ कैश कंसिस्टेंसी रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पर दो तरह के कैश कंसिस्टेंसी रिक्वायरमेंट होती है। पहला होता है स्ट्रॉन्ग कैश कंसिस्टेंसी रिक्वायरमेंट, और दूसरा होता है वीक कैश कंसिस्टेंसी रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो अब स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंसी रिक्वायरमेंट में क्या होता है कि यहाँ पर जो डेटा होता है वो जो होता है कि आपका हर एक दिन जो है अप टू डेट होगा, अपडेट होगा। क्योंकि मान लीजिए हर दिन आप मान लीजिए कुछ अलग तरीके का चीज़ देखते हैं, कुछ अलग तरीके का आपका एक्सपीरियंस होता है। तो मान लीजिए तो इस तरह से यहाँ पर स्ट्रॉन्ग कैश में क्या होता है कि यह हर एक दिन जो है ये अपडेट करता है अपने आप को, ठीक है। और वीक कैश कंसिस्टेंसी क्या करती है कि ये आपको कुछ इनकंसिस्टेंसी अलाउ करती है, जिससे आप क्या करते हैं कि यहाँ पर इनकंसिस्टेंसी मतलब कि ये हर एक दिन ही मतलब 6-7 दिनों में जो है आपका यहाँ पर कैश में जो है रीड राइट होता है मेमोरी का, ठीक है। तो यहाँ पर जो है एक्सपीरियंस थोड़ा कम अच्छा होता है, पर यहाँ पर जो है यहाँ पर कैश की रीड राइट भी कम होती है। यहाँ पर आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहेगा पर आपका जो कैश मेमोरी है उसमें रीड राइट बहुत बार आपको करना पड़ेगा। तो ये था कुछ कैशिंग मैनेजमेंट के बारे में। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा और आपको समझ में आएगा कि कैश मेमोरी और कैशिंग मैनेजमेंट क्या होता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए इस वीडियो को, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो यार। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।